हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं गेमर नेस्ट के वर्जन 1.49 के दो सुपरस्टार्स के अटायर्स और लुक लेकर आया हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो बात करें अगर इस वीडियो की अपडेट की, तो इस अपडेट के अंदर आपको रेम स्टेरियो और ब्रे वाइट के में चेंजेस मिलने वाले हैं। आपको रेम स्टेरियो का नया अटायर मिलेगा, जिसमें उसने वाइट कलर का अपना कॉस्ट्यूम पहना होगा। वो आप थंबनेल में भी आपने देखा होगा, उसके अलावा आपको भी गेम प्ले में भी दिख जाएगा। उसके अलावा आप लोगों ने शायद कुछ इमेजेस देखी होंगी ब्रे वाइट की, मतलब रियल लाइफ वाली ब्रे वाइट की इमेजेस, जिसमें उन्होंने अपने हेयर्स को काफ़ी अलग तरीके से हेयर कट बहुत अच्छा करवाया, जिससे वो काफ़ी न्यू लुक में आए हैं। तो वो है, तो उस टाइप का बिल्कुल वैसा ही आपको हेयर का लुक यहाँ पर भी इस मॉड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, या कह लिए इस अपडेट के अंदर। तो ये सब चीज़ें चलाने के लिए आपको वर्जन 1.49 को पूरा इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपके पास HD टेक्सचर्स पैक होना चाहिए, बस आपके पास गेम होना चाहिए जो ओरिजिनल वर्जन है वो वाला, या फिर कह लिए लाइट वर्जन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पर ये वाली जो इसकी फाइल्स है, फाइल है एक, उसको डाउनलोड करना है। उसकी डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के सबसे पहले तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद उसमें कोई भी पासवर्ड नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वीडियो को बहुत आपको देखना पड़े बार बार छान छान कि कहाँ पर पासवर्ड है। ऐसा कुछ नहीं, फाइल में कोई भी पासवर्ड नहीं, आप सीधा फाइल को डाउनलोड करिएगा। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि जब फाइल डाउनलोड हो जाए, तो उसके बाद जो आपका PSP फोल्डर है, उसके अंदर जब आप जाएंगे, तो आपके पास HD टेक्सचर्स पैक अगर नहीं है, तो उसके अंदर टेक्सचर्स वाला फोल्डर नहीं बना होगा। तो आप वहाँ पे पहले टेक्सचर्स फोल्डर एक क्रिएट करिएगा, पूरे अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स में टेक्सचर्स फोल्डर क्रिएट करिएगा, और उसके बाद आपको ये वाली फ़ाइल को सीधा टेक्सचर्स फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है। वहाँ पे कोई दूसरा GNFZ करके फोल्डर आपको नहीं बनाना है, सिर्फ जो मैंने फ़ाइल दी है वो जा करके आपको टेक्सचर्स फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है, क्योंकि मैंने वो चीज़ जितनी भी ये सारी इसकी टेक्सचर्स वाली फाइल है, वो मैंने GNFZ और जो बाकी आगे नंबर लिखा था, वो उस वाले फोल्डर के अंदर कर दिया है। तो इसलिए आपका काम आसान हो गया, आपको सीधा टेक्सचर्स फोल्डर के अंदर जा करके फाइल को पेस्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो यहाँ पर मैंने क्या समझाया है। तो बहुत आसान है, और पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे टेक्सचर्स को मतलब इधर उधर कॉपी पेस्ट करा होगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा इशू होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा गेम प्ले में कि ब्रे वाइट का नया लुक है यहाँ पे, और उसके अलावा रेम स्टेरियो का भी नया अटायर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट है, और अच्छा, काफ़ी अच्छा अपडेट है, जिसमें आपको नए लुक मिलेंगे देखने को। और ऐसे ही इस वाले वर्जन पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे, तो और अपडेट्स आप लोग चाहते हैं कि आपको मिलते रहें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि जैसा आपको पता ही है, वर्जन 1.49 बहुत अच्छा मॉड है, तो इस पर बहुत सारे मॉडर अपना अपना फोल्डर, अपने अपने पैचेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इस पर बहुत सारे अपडेट्स आएंगे और आते रहेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ मेरे बने रहिएगा, आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी जैसी चीज़ें अपलोड होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।